रेडियो सी 90.8 एफएम पे मैं हूँ सैम्पी और खास लोग खास मुलाकात की शुरुआत हो चुकी है। खास लोग खास मुलाकात में आज खास लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो वो खास लोग हैं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास से राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, नमस्कार। सर बहुत सारी बातें आज आपसे करने वाले हैं, जो जनता के कुछ सवाल हैं मैं आपसे पूछने वाली हूँ। सबसे पहले सवाल ये आता है कि कोविड के दौरान जो बच्चे हैं उनका मतलब बहुत सारे जो गांव के बच्चे हैं उनका जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत तरीके से डाउन चला गया है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो सुविधा है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाई, जैसे नेटवर्क इशू हो गया हमारा या फिर एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वो चीजें जो है उनके पास पहुंच नहीं पाई। उस दौरान बच्चों की जो शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए आपकी बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया, उसका समाधान कैसे निकाला? देखिये, कोविड का एक ऐसा विषय था कि जो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को चैलेंज करने वाला था, और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि कोविड का नियंत्रण कैसे हो। कोविड की एक लहर आई, फिर कोविड की दूसरी लहर आई, तो खासतौर से दूसरी लहर के अंदर बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई, और उसमें हमारी केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से यानी डेथ हुई, ऑक्सीजन की लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन की जिस तरीके से आपूर्ति करने के लिए इतना परिश्रम किया, हमने भाई एयर ऑक्सीजन मंगाई, ट्रकों से मंगाई, ट्रेनें चलाई और लगातार लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री लगातार सब लोगों को मोटिवेट करके उनको ऑक्सीजन पहुंचाना, हॉस्पिटलाइज कराना, वेंटिलेटर्स की सुविधाएं कराना, बेड टेस्टिंग, यानी ये चीजें महत्वपूर्ण थी। तो पढ़ाई का जहां तक आपने विषय पूछा कि पढ़ाई प्रभावित हुई है, अगर नॉर्मल पढ़ाई होती तो स्कूल गोली बंद ही नहीं होते, लेकिन चूंकि कोविड आया तो सबके लिए बहुत जरूरत है कि सैलरी में लोग पहले घर के अंदर रहें, और घर के अंदर रहेंगे जान बचेगी तब सारी चीजें, तब व्यापार भी चलेगा, सुरक्षा भी होगी, फिर आपकी पढ़ाई भी होगी सारी। निश्चित रूप से गाँव के अंदर चूंकि उतने एंड्रॉइड फोन नहीं है, उतने लैपटॉप नहीं है, और गरीब लोग भी हैं तो उनके सामने दिक्कत हुई है, लेकिन स्कूलों को कहा गया, हमारे सब इंटरमीडिएट कॉलेज को, सब डिग्री कॉलेज को, सब टेक्निकल कॉलेज को, हमारे आईटीआई को, व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास को, कि जहां जहां एंड्रॉइड फोन हैं उनको ऑनलाइन को पढ़ाने का काम किया, जिनके पास नहीं थे तो उनको जोड़ के कहा कि भाई आप दो दिन तीन दिन चार बच्चे जुड़ करके उसके अंदर काम करें। तो इसलिए सरकार की लगातार मोटिवेशन था, स्टाफ लगातार स्कूलों के अंदर आता रहा, और जब बच्चे नहीं आ रहे थे लेकिन स्टाफ को कहा गया कि आप स्कूल में जुड़ रहे, और स्कूल में आते रहे तो आते के साथ ही उन सबसे बातचीत करके, टेलीफोन करके, उनको मोटिवेट करके पढ़ाई कराने की कोशिश की गई। कुछ नुकसान हुआ है जी। पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, एग्जाम भी नहीं हुए, एग्जाम नहीं हुए तो उनको पास आउट किया गया उनकी परसेंटेज के आधार पे, तो दिक्कतें तो हुई हैं। पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल आपने देखा होगा, इतना बड़ा और शानदार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, जो ओलंपिक में हमारे नौजवान बालिकाएं खेल करके आए, उन सब लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रदेश में पहली बार कार्यक्रम किया कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसे सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उनको धन की राशि भी दी, और सबसे बड़ी बात है प्रदेश भर के 10,000 खिलाड़ी स्टेडियम में लखनऊ में इकट्ठा हुए और सबने उनको मोटिवेट किया, बच्चों को खिलाड़ियों ने मोटिवेट किया, और 1,00,000 लैपटॉप या आईपैड ऐसा मिला करके 1,00,000 देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है कि ऐसे सभी बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं और जिनका सिस्टम में आएंगे उनकी कैटेगरी बनेगी, ऐसे बच्चों को 1,00,000 आईफोन या उनको लैपटॉप हम देने वाले हैं। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सवाल सर ये आता है कि इस वक्त शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, खुलने लग रहे धीरे धीरे, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कोविड फिर से बढ़ा तो जो स्कूल्स हैं वो फिर से बंद कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में जो नहीं, कोविड बढ़ा तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। सर्वप्रथम 60 करोड़ डोज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दी गई, उत्तर प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 6 करोड़ से अधिक डोज लोगों को दी गई। हमको लगता है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, और अगर आती है तो सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है, हॉस्पिटल तैयार है, हमारे पास वेंटिलेटर्स तैयार है, हमारे पास वैक्सीन तैयार है, हमारे पास अस्पताल तैयार है, हमारे पास स्टाफ तैयार है, उससे लड़ाई लड़ेंगे। पर जैसा माहौल धीरे धीरे बनकर के आया है, स्कूल खुले हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज खुल गए हैं, 10th तक के स्कूल खुले, 8th तक के स्कूल खुले, छोटी क्लासेस भी हम बहुत जल्दी खोलने वाले हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जल्दी स्कूल खुले जाए, शिक्षा को नॉर्मल किया जाए, और अध्यापकों को ये कहा गया कि जो पढ़ाई का नुकसान बच्चों का हुआ है उस पढ़ाई को जल्दी जल्दी कवर करने ज्यादा टाइम दें, एक्स्ट्रा टाइम दें, और एक्स्ट्रा टाइम दे करके उस सब बच्चों को मोटिवेट करके उनकी वो रिकवरी जो कोविड के कारण से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम करें जी। तो मतलब सर अब ये है कि बच्चे अब पूरी तरीके से सेफ हैं, अब वो पढ़ सकते हैं।
काफी संभावना है कि सेफ है, बाकी तो अभी बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर मैं घोषणा नहीं कर सकता, पर हमारा पूरा प्रयास है, जितनी बड़ी हमारी तैयारी है, जितना वैक्सीनेशन हुआ है, कि तीसरी लहर ना आए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जी सर, ये तो हम सबकी कामना है कि बस ये कोविड जल्द से जल्द खत्म हो और सब कुछ सही हो। हमारे साथ खास लोग जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कपिल देव अग्रवाल जी। बहुत सारी बातें उनसे हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ सवाल हमारे अभी बाकी है। सर, जानना चाहती है जनता की अब आप क्या नई योजनाएं या फिर क्या आपके फ्यूचर प्लानिंग्स है जनता के लिए, क्या उनका अच्छा आप कर सकते हैं आगे तक, क्या सोचा है आपने? बहुत सारी बातें हैं, अगर इसकी हम बातचीत करेंगे तो बहुत सारा समय हमको लोग बताने के लिए। उत्तर प्रदेश में 2017 में जिस प्रकार से ये कुंडई, आतंक, लूट, महिलाओं से व्यभिचार, पढ़ाई का माहौल नहीं, लड़कियां कॉलेज में जा नहीं सकती थी, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक कानून का राज कायम करने का काम किया। लड़कियां सुरक्षित माहौल में आज कॉलेज जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कोई खतरा की शिपाकर नहीं है, व्यापारी सुरक्षित है, उद्यमी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब लोग प्लान कर रहे थे 2017 में या उससे पहले, तो तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश होना शुरू हुआ, यानी हिंदुस्तान के लोग भी और हिंदुस्तान से बाहर के लोग भी, यानी फॉरनर्स भी, उन लोगों ने सिर्फ देश के अंदर बड़ा निवेश किया, एक सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा। इसके कारण से लगातार उत्तर प्रदेश में जो विश्वास जनता के अंदर बढ़ा है, एक बड़ी बात हुई है, और जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में सर्वत्र विकास। आप देखिए, अब पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाइए, सड़कों का इतना बड़ा जाल, यानी फोर वेज, एट लेन्स, ऐसा मिला, यहां आप देहरादून जाइए, मुजफ्फरपुर, आप दिल्ली जाइए, आप ऋषिकेश हरिद्वार जाइए, आप यहां तक की लखनऊ जाइए, तो इतने शानदार हाईवेज बने हैं, सड़कों का काम हुआ है। कोई भी सड़क आपको बहुत छोटी मोटी की बात छोड़ दो, चूंकि बरसात में बहुत सारी सड़कें टूट जाती हैं, पर रूटीन में कोई सड़क लंबे समय से आपको खराब नहीं मिलेगी, एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था हमने की, 24 घंटे बिजली, शहर के अंदर बिजली 8 घंटे 10 घंटे आती थी, आज 24 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है और एक भी पैसा दरों के अंदर बिजली का हमने नहीं बढ़ाया, ये बड़ा काम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की शासनकाल के अंदर हुआ। इसके अलावा गरीबों के कल्याण के लिए, चाहे फिर शौचालय बनाने का विषय हो, चाहे जनधन के खाते हो, चाहे हमने फिर उनका उज्ज्वला के अंदर गैसी कनेक्शन दिए हो, चाहे हमने उनको सौभाग्य योजना के अंदर बिजली के कनेक्शन दिए हो, चाहे हमने आयुष्मान के अंदर उनको स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया हो, यानी गरीबों के कल्याण के, और कोविड आने के बाद 9 महीने का राशन पहले, 9 महीने का राशन अब, यानी सब लोगों को, सब 80 करोड़ जनता को देश के अंदर और लगभग 16 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सब लोगों को बिल्कुल निःशुल्क खाद्यान्न देकर के एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर भूखा नहीं सोया, ये बहुत बड़ी योजना माने प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की है। अभी कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने इस प्रकार से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी थे उन सबको प्रोत्साहित किया, उनको बहुत बड़ी राशि से वो नवाजने का काम किया, और पूरे प्रदेश के 10,000 युवाओं को, युवतियों को, बालक को, बालिकाओं को, खिलाड़ियों को बुला करके उनका मोटिवेशन करने का काम किया, और 1 करोड़ लैपटॉप या आईफोन ऐसा मिलाकर के बड़ी घोषणा माने मुख्यमंत्री ने की है कि बहुत शीघ्र पढ़ने वाले बच्चों को ये दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, ये बड़ा काम उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को एक मैसेज आप देना चाहेंगे कोविड से रिलेटेड? जनता के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि कोविड का अभी कोविड गया नहीं है, खतरा उसका टला नहीं है, हम कॉन्शियस रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें, थोड़ा डिस्टेंस, बहुत भीड़ भाड़ उसके लिए हम ना करें। दूसरा ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी, युवाओं के लिए खासतौर से मेरी बात है कि देश के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है, हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन उसके बाद शायद भूल जाते हैं। पर जिस प्रकार से अभी तालिबान में हमने देखा है कि तालिबानी लोगों ने बिल्कुल अपने देश को जब छोड़ के भागना शुरू हुए, तब पर्यावरण की महिलाएं छोड़ दी, लड़कियों को छोड़ दिया, तो लेकिन हिंदुस्तान की कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हम बेटी को, अपनी परिवार को, अपनी माताओं को अपने परिवार का अंग मानते हैं, परिवार की जिम्मेदार उनको नारी मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनका जीवन हमारे साथ है। तो भारत ने तो महाभारत हुआ, यानी एक नारी के पान के लिए महाभारत हुआ, सीता माता का हरण हुआ तो इतना बड़ा रावण के साथ युद्ध हुआ, तो यानी नारी का सम्मान, तो हम नारी का सम्मान करें, बहनों बेटियों का सम्मान करें, देश के प्रति हमारी जवाबदेही चाहिए। हमने देश के लिए क्या किया, हम देश से तो मांगते हैं कि हमारे लिए समाज क्या कर रहा, हमारे देश क्या कर रहा, सरकार हमारे लिए क्या कर रही, पर हमने देश के लिए क्या किया, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्या मैं भी समाज के लिए कुछ करता हूँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, यानी हम भी अपने समाज और देश और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें, और मैं क्या कर सकता हूँ, जो हम करें उसमें ये सोचें कि हमारे किसी काम से कहीं देश का समाज का हित तो नहीं हो रहा, कोई हमारे काम से किसी गरीब का
गला तो नहीं कट रहा, किसी गरीब अन्याय तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा सोचेंगे तो बहुत जल्दी ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में विश्वगुरु बनेगा, ऐसा हमको विश्वास है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली और आशा करती हूँ जितने भी जनता हमें सुन रही है इस वक्त उन सभी के सवालों का जवाब अब उनको मिल चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।